हनीप्रीत की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। कहा यह जा रहा है कि शायद हनीप्रीत नेपाल भाग गई है। हनीप्रीत कहीं भी हो, लेकिन उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब हनीप्रीत की पूर्व जिम ट्रेनर सामने आई है, जिसने उसके बारे में कई खुलासे किए हैं। MHUN न्यूज संवाददाता बलजीत ने हनीप्रीत के जिम ट्रेनर से खास बातचीत की। जिस हनीप्रीत को पूरे देश की पुलिस अलग अलग जगह पे ढूंढ रही है, तो हनीप्रीत तो हमें नहीं मिली, लेकिन MHUN न्यूज की टीम ने हनीप्रीत की एक जिम ट्रेनर को ढूंढ निकाला है, जिसने 2014 से लेकर 2016 तक यानी कि 2 साल तक उसको जिम की ट्रेनिंग दी, फिटनेस की ट्रेनिंग दी। आइए करते हैं उनसे बातचीत, कैसा था हनीप्रीत का स्वभाव और कैसे आप आई हनीप्रीत के संपर्क में। जी, मैं सिरसा में अच्छे जिम में जॉब करती थी। यहाँ पे तो वहीं पे कोई डेरा प्रेमन आते थे, कई लोग आते थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा भी वहाँ पे जरूरत है हनीप्रीत जी के लिए पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उन्होंने मेरे वहाँ जाके बताया उनको, और उन्होंने मुझे बुलाया कॉल करके। बुलाने के बाद मैं वहाँ गई, उन्होंने अच्छा पैकेज ऑफर किया मुझे, मेरा पहले डेमो लिया, फिर पैकेज ऑफर किया, फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। क्या पैकेज देते? 15,000 पर मंथ। कैसे आती जाती थी आप? वो ड्राइवर भेजते थे, गाड़ी के साथ ड्राइवर भेजते थे, ड्राइवर लेके जाता, ड्राइवर छोड़ के जाता था मुझे। कितना जिम का क्रेज था उनको, फिटनेस रहने का शौक था, क्या उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत ज्यादा क्रेज थे जिम के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जिम ही उनकी लाइफ थी। जिम के लिए वो जीती थी, जिम के लिए खाती भी थी। उनको जीरो फिगर चाहिए था एक्चुअली। उनको कैटरीना कैफ की शेप चाहिए थी, और उनकी बहुत बड़ी फैन थी, और मुझे हर बार यही बोलते, मुझे ऐसे शेप चाहिए, ऐसे शेप चाहिए। और वर्कआउट जो भी मैं करवाती हूँ करती थी, कंटिन्यू करती थी। मैं बैठ जाती बट वो नहीं बैठते थे, बहुत ज्यादा क्रेजी थे वो। और सॉन्ग पे डांस करना, मस्ती करना, एक मिनट भी बैठते नहीं थे वो बिल्कुल। 2 घंटे का टाइम था, बट वो 3 घंटे लगे रहते जब तक हार नहीं मानते वो लोग। अरोबिक्स करते थे, कार्डियो अरोबिक्स, डांस करते थे बीच में, योगा, और कभी कभी स्ट्रेंथ मशीन कर लिया। बट प्री वर्कआउट मेरे से कोई नहीं, मैंने उनको बोला भी था, एक बार कहा था उनसे, बट उन्होंने कहा मैं वो कर लूंगी, बाबा जी अंदर से ही कुछ बना के देते थे, वो वहीं से लेके आते थे, मेरे से नहीं लेते थे। डेरा प्रमुख भी आते थे? हाँ जी, कभी कभी आते थे, हफ्ते में 1-2 बार आते थे, अच्छे से बैठ के देखते थे और हमें आशीर्वाद दे के जाते थे। आपको उन्होंने कभी ये नहीं कहा आप नाम ले लो, डेरा से जुड़ जाओ? हाँ जी, मुझे हनीप्रीत जी ने एक बार कहा था, बट मैंने कहा अभी मैं नहीं लूंगी नाम, अभी मैं जो है वही है, गॉड इज वन, तो अब मैंने मना कर दिया था नाम लेने के। इसके अलावा डाइटिशियन, इसका फूड क्या रहता था? फूड वो फ्रूट और सैलेड पे चलते थे ज्यादा, तो मैं उनको बताती, उससे पहले वही मुझे बता देते मुझे खाना खाना नहीं है, और ओनली बॉइल वेज पे और सैलेड फ्रूट, बस यही चीज ज्यादा, बादाम और बस ये ज्यादा खाते थे। नॉनवेज वगैरह लेती? नो, नाम ही नहीं लेते नॉनवेज का। तो और क्या क्या ट्रेनिंग देते थे? ट्रेनिंग यही देती, एरोबिक्स शुरू में 45 मिनट की एरोबिक्स होती थी, उसके बीच एक्सरसाइज ही होती थी, और 45 मिनट का कार्डियो हो गया, बस 3 आवर्स। हनीप्रीत जब ट्रेनिंग लेती थी, क्या उनके साथ बाबा की और बेटियां या और लोग भी? कोई नहीं होता उस टाइम, कोई भी नहीं होता था, कोई भी अलाउड नहीं था। आपको मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड था? नो, मोबाइल गाड़ी में होता था, घर से गाड़ी तक मोबाइल होता था, उसके बाद मोबाइल लड़ाव नहीं था। तो डेरा प्रमुख भी आके कुछ बताते थे ऐसे, इनको ये एक्सरसाइज कराओ? नहीं बताते नहीं, तो वो देखते थे हम अच्छे से कर रहे होते थे, वो देख के खुश, बहुत खुश होते देख के भी, अच्छे से कर रहे हम लोग, और वो कहते अच्छे से करो बेटा, और अच्छे से करवाओ। तो 2016 में आपने क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली 2016 में वो फिल्म में मूवीज वगैरह में शूटिंग करने में बिजी हो गए, और उनको जुम्बा चाहिए था, जुम्बा, मैं एरोबिक्स और योगा करवाती हूँ, तो जुम्बा मुझे आता नहीं था, और उन्हें बाहर से बॉम्बे से या बाहर से हाई किए उसके लिए, तो फिर कुछ दिन मैंने भी उनसे सीखा है, सीखने के बाद फिर मैंने टाइम, मेरा उनका भी टाइम शेड्यूल बिजी हो गया, और मेरा भी टाइम सेट नहीं बैठ रहा, कभी सुबह बुलाते कभी शाम को। तो मैं जिम की टाइमिंग क्या रहती थी? सुबह छह से नौ होती, और अगर वो मिस हो जाता दोपहर को बुला लेते या शाम को बुलाते, रात को मैं जाती नहीं थी। मतलब फिल्मों में जितनी बदली वो व्यस्त थी, जिम नहीं कभी छोड़ती, जिम के लिए क्रेजी तो बहुत ज्यादा। ये थी हनीप्रीत की जिम ट्रेनर, जिन्होंने बताया कि वो कितनी जिम की क्रेजी थी, अपनी हेल्थ के प्रति कितनी कॉन्शियस थी, कितना वो डाइटिशियन के हिसाब से फूड लेती थी, और हर मामले में फिल्मों में आने के बाद तो उन्हें अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी, और वो बड़ी जिम की क्रेजी रही है, ये सारा कुछ बताया उनकी जिम ट्रेनर ने। बलजीत सिंह, MHUN न्यूज, सिरसा।